Good morning, Assalamu Alaikum students. Welcome to MCPS online classes. Today I'm going to start chapter 4, The Quarrel of class 6th. Let's start the poem. The Quarrel. It's common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. भाई बहनों के बीच में झगड़ा होना एक सामान्य सी बात है, एक साधारण सी बात है. Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको लोगों को भाई बहन को पता ही नहीं होता कि उनके बीच में क्यों झगड़ा हुआ है. But how long do such quarrels last? लेकिन कितनी देर तक ये झगड़े चलते हैं. How do they end? और कैसे ये ख़त्म हो जाते हैं. I quarrel with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we felt out. अब ये जो एक सिस्टर है वो बोल रही है कि मैंने मेरे भाई से झगड़ा किया. आई डोंट नो वॉट अबाउट मतलब मुझे नहीं पता किस बारे में, किस वजह से वो झगड़ा हुआ. वन थिंग लेड टू अनदर. एक बात जो है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक जाती गई. एंड सम हाउ वी फेल आउट. और किसी और हम लोगों के बीच में झगड़ा हो गया. फेल आउट मतलब हमारे बीच में झगड़ा हो गया, क्वारल हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. झगड़े की शुरुआत कैसी थी? बहुत धीमी थी, स्लाइट थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन उसका एंड तो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हमारा झगड़ा हो गया, तीव्र हो गया. ही सेड ही वॉज राइट. उसका कहना था कि वो सही है. आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. लेकिन मुझे पता था कि वो गलत था. वी हेटेड वन अनदर. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. देन सडनली माई ब्रदर थम्ब्ड मी ऑन द बैक. अब हम लोगों को झगड़े के बाद में एक दूसरे से नफरत थी और हमारा आफ्टरनून जो है, दोपहर जो थी हमारी, कैसी थी? टर्न ब्लैक मतलब बिल्कुल अनहैप्पी थी, सैड थी. टर्न ब्लैक मतलब बिल्कुल अनहैप्पी थी, नाखुश थे हम दोनों. देन सडनली माई ब्रदर थम्ब्ड मी ऑन द बैक. लेकिन अचानक ही मेरे भाई ने आकर मेरी पीठ थपथपाई. थम्ब्ड मी ऑन द बैक मतलब मेरी पीठ थपथपाई. एंड सैड ओ कम अलॉन्ग. We can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. अब वो कह रहा था कि चलो छोड़ो सारी बातें, हम इस तरीके से पूरी रात में ऐसे नहीं रह सकते, मतलब हम पूरी रात अपना झगड़ा नहीं चला सकते. I was in the wrong. अब वो कह रहा था हाँ मुझे पता है कि मैं गलत था. So he was in the right. इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो अब कैसा है, अब वो सही था. ठीक है ना. यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ में उस टाइम उसको अपने गलती का एहसास नहीं था, तब उसका भाई गलत था. अब जब उसने आके सारा झगड़ा ख़त्म कर दिया है और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब उसकी बहन को ऐसा लग रहा है कि अब वो बिल्कुल ज़्यादा सही हो चुका है. ओके चिल्ड्रन, लेट्स सॉल्व फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. प्लीज़ रिसाइट द पोएम एट होम. ओके थैंक यू. हैव अ नाइस डे.